गुरुग्राम में लगातार हो रही एटीएम पर वारदातों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग तो सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन बैंक प्रबंधन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। गुरुग्राम में एटीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश एटीएम पर कोई गार्ड तैनात नहीं है और कहीं सीसीटीवी तक खराब पड़े हुए हैं। पुलिस की तरफ से कई बार इसको लेकर बैंक प्रबंधक के साथ बैठकर उन्हें हिदायत दी हुई है कि सभी एटीएम मशीनों पर गार्ड और सीसीटीवी अनिवार्य होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश एटीएम मशीनें सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। बाइट राजेंद्र शर्मा, पटोदी चौकी इंचार्ज। कुछ एटीएम मशीनों पर हालात ये हैं कि उनके दरवाजे तक लॉक नहीं हो सकते हैं। वहीं रात के समय तो एटीएम पर गार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन गार्ड वहां से नदारद मिलते हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इस बारे में गंभीरता से बैंक प्रबंधक को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके लिए बैंकों के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने कई बार बैंक प्रबंधक अधिकारियों से कई बार बैठक कर इस विषय पर चर्चा की है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार एटीएम मशीनों पर लूट की वारदात हो रही है। इसके बावजूद भी बैंक सोए हुए हैं। पता नहीं किस लगवाया। इधर इधर मुकर के बाद, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सर। कहाँ के रहने वाले? यूपी रायबरेली। यहाँ पे क्या क्या मुकते हो? यह गार्ड हूँ सर। कौन से एटीएम पे? इसी आईसीआई में। कहाँ पे है एटीएम? ये सर शक्ति नगर। शक्ति नगर में। सीसीटीवी कैमरे हैं? नहीं, एक भी नहीं सर। एक भी नहीं है? क्यों नहीं है सर? लगाया ही नहीं, बोला गया सर लगाने के लिए। अभी लाइट भी बिगड़ी है, लाइट के लिए नहीं आते सर। कितने टाइम हो गया आपको? आप मेरे हो गए लगभग 6-7 महीने हो गए। आपके पास अभी कोई यहाँ पे आ जाए एटीएम लूट के लिए, कोई हथियार है? नहीं सर, कोई नहीं। कुछ लाठी वगैरह कुछ भी नहीं? डंडा है सर, अभी निकाल रहे हैं, निकाल दो। क्या हथियार बंद लोगों से लड़ रहे हो आप? लड़ तो नहीं पाएंगे। कितनी सैलरी है आपकी? सर 12,000। 12,000 कितने घंटे के? 16 घंटे की। 16 घंटे की 12,000। अब तो ना ये बाइट होगी अब।